जिनके खिलाफ लड़कर पार्टी बनाई, सत्ता में आए, सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद में फिर उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन हाथ मिलाने के पीछे की जो बड़ी वजह थी वो था दिल्ली सरकार के खिलाफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आया बिल। वो बिल आज संसद में, लोकसभा में अमित शाह ने पेश कर दिया। बिल को पेश करने के वक्त जबरदस्त हंगामा भी हुआ। इस मौके पर ओवैसी भी बोले। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह भी खुद की हंसी नहीं रोक पाए। क्या हुआ वो पूरा वाक्य आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से अधीर रंजन ने सदन में क्या कहा। उसके अलावा राघव चड्ढा ने भी इस मामले पर बाद में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह ने इस मौके पर जब बिल को पेश किया तब उन्होंने क्या कहा। अमित शाह ने विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि यह विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है इसका, इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6, जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। उधर अमित शाह के बोलने से पहले अधीर रंजन ने भी सदन में ताबड़तोड़ हमले किए, केंद्र सरकार पर हमले किए। दिलचस्प था यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का केजरीवाल का बचाव करना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक तरह से हाशिए पर भेजकर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। यहाँ पर सदन में अधीर रंजन ने कहा केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, ये दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास है, बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। ये विधेयक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। तो ये अधीर रंजन का बयान था। हालांकि ये बयान आसानी से नहीं आया, एक लंबी जद्दोजहद केजरीवाल की इस चीज को लेकर चली। उन्होंने तमाम नेताओं को इसे लेकर मनाने की कोशिश की। हालांकि बाद में तय ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष का साथ देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस एवज में जब दिल्ली सरकार के खिलाफ लाया गया बिल, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ देने के साथ में कांग्रेस पार्टी भी साथ में खड़ी हो, और इसी के मद्देनजर अधीर रंजन का ये बयान था। लेकिन चर्चा ओवैसी के बयान की हो रही है। ओवैसी इससे पहले कहते रहे कि वो अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे इस बिल को लेकर और सरकार का समर्थन करेंगे। वजह थी केजरीवाल को कट्टर हिंदू बताना, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आया ओवैसी ने तय किया कि वो भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, केजरीवाल का साथ देंगे। और इस दौरान उन्होंने सदन में क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं, जिसके बाद ठाके लगते हुए नजर आए। ओवैसी ने कहा कि बिना पीएम मोदी के सदन चलने दिया, इसके लिए हमारे विपक्षी नेताओं का शुक्रगुजार हूं। चेस और लूडो का खेल चल रहा है, उधर से यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से चेस खेला जा रहा है और इधर विपक्ष की ओर से लूडो खेला जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, वजह बताई कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा जो बिल जो आया हुआ है उसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि यह अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है, एक सामान्य बिल से संविधान को संशोधित नहीं कर सकते हैं, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2018 के 5 जजों का फैसला है, इस सदन को शक्ति नहीं है, मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ। बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया इन्होंने, बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूँ कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये
इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। लेकिन इन तमाम दावों और तमाम बातों के बावजूद अमित शाह ने बिल को पेश कर दिया। इसके बाद में अब आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा हैं सांसद, उनकी तरफ से इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है। राघव चड्ढा ने कहा है, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सभी अधिकार छीनकर उन्हें उपराज्यपाल को दे देगा। ये भारत के संघीय ढांचे, लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। इंडिया के सभी सदस्य, यानी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सदस्य इस विधेयक का विरोध करेंगे। तो ये राघव चड्ढा ने कहा है। इसके बाद ये बिल जो है तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए राज्यसभा पहुंचेगा। उसके बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, लेकिन इस पूरे बिल को लेकर या पूरे समीकरण को लेकर, घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? खासतौर पर इस बिल ने, ये जब पेश तो हो गया है, लेकिन अब ये बिल जब अपने अंजाम तक पहुंचेगा तब पहुंचेगा, लेकिन इस बिल के जरिए ये पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी का गठन जिस चीज को लेकर हुआ था, उसके बाद अपने मूल्यों के साथ केजरीवाल ने किस तरीके से समझौता किया, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव हो, इसके अलावा तमाम वो नेता हो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पानी पी पी कर बोला करते थे, लेकिन आज की तारीख में वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। VK News, राष्ट्र के नाम।